उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक मोटर का रिव्यू दिया था, आज मैंने आपको एक ट्यूबवेल का रिव्यू देना है, आपको एक सोलर ट्यूबवेल के बारे में बताना है, उसमें उस ट्यूबवेल की सारी डिटेल होगी, जितने भी यहाँ पर जितने भी सोलर है वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना, सारे का सारा जो बोर है वो वर्किंग कर रहा है। तो आज मैंने वहां जाकर उसी साइट पे खड़ा होके आपको सारी की सारी उसकी डिटेल बतानी है। इसी जो मोटर होती है उसका एक फायदा ये होता है कि वो उसके ऊपर इन्वर्टर नहीं लगाया जाता, तो जो एसी होती है उसके साथ हमने इन्वर्टर अटैच करके डीसी को एसी में कन्वर्ट करके फिर हमने उसके ऊपर एसी वाली मोटर चलानी होती है। मतलब कि डीसी के अपने फायदे हैं, एसी के अपने फायदे हैं, ये एक बात की बहस है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले मैंने एक 4 इंच का ट्यूबवेल इंस्टॉल कराया हुआ है जो कि मेरा अपना है, इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद मैंने उसकी भी वर्किंग वीडियो बना के आपको दिखानी है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, अगर आपको मजीद इस तरह की वीडियो जरूरत है तो मेरे चैनल सैफ मुश्ताक चाचा को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों अब मैं आपको उस बोर की जानेब, उस ट्यूबवेल की जानेब लेके चल रहा हूँ, वहां पर चल के हमने देखना है कि किस तरह वो ट्यूबवेल काम कर रहा है, इसकी सारी की सारी वर्किंग वीडियो। और सर मैंने इंटरटेनिंग की खातिर कहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ से क्लिप शेयर कर दूं आपको। चलिए स्टार्ट करें। दोस्तों हम उस साइट पर पहुंच गए हैं जहां पर मैंने आपको सोलर सिस्टम दिखाना था, तो मैंने आके यहां पर वो जो बैठे थे उनसे बात की है कि हमें सोलर बोर अपना दिखाएं, अपना सोलर ट्यूबवेल दिखाएं, तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये जो ट्यूबवेल मालकान है मैं उनकी परमिशन के साथ बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये उन्होंने जो पहले सबसे पहले उन्होंने जो सोलर लगाए हुए हैं, ये उनका जो एक रेस्ट हाउस बना हुआ है, यहाँ पर कोई कमरा वगैरह बनाया हुआ है, इन्होंने अपने सोलर प्लेट्स को इनके ऊपर लगाया हुआ है ताकि कोई, जिस तरह आजकल सोलर प्लेट्स का ट्रेंड चल रहा है तो इसके साथ साथ चोरियाँ भी बढ़ गई हैं, तो उन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि अपनी चीज़ को लोगों के हाथ से ऊपर रखा हुआ है। तो ये भी उनका सबसे उनकी पहली ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो इसके बाद सोलर की इंस्टॉलेशन के बाद में आपको इसके ऊपर चढ़ के मैं सारा बताऊंगा कि किस तरह इन्होंने इन्हें कनेक्ट किया हुआ है और कितनी इनकी तादाद है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं ट्यूबवेल और ट्यूबवेल का साइज़, ट्यूबवेल का पानी, बाद में हम
तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्यूबवेल लगा हुआ है ये उसका आप पानी देख सकते हैं। ये सारे का सारा सेटअप जो लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पुख्ता इसका खाल बनाया हुआ है। खाल के साथ साथ इन्होंने यहाँ पर जो इंतज़ाम किया हुआ है बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त है। पानी के शोर्स दिखाए हैं कि कितना इसका पानी है। तो आप देखते हैं कि इसके साथ जो डैनमो लगा हुआ है, जो मोटर लगा हुआ है, वो कितनी हॉर्स पावर का है और इसके बाद इसे कितनी सोलर प्लेट्स हैं जो इसे चला रही हैं। ये देखें जी, जो इसका डैनमो मोटर लगा हुआ है ये सामने है आपके, ये 15 हॉर्स पावर का मोटर है जो के 3 फेज है। ये एक बेल्ट की मदद से नीचे रूटर को, ये सारा इनका जो कंट्रोल रूम है वो बना हुआ है। ये इनका इन्वर्टर लगा हुआ है आप देख सकते हैं, मैं इसे ऐसे कर देता हूँ, आप अच्छी तरह से इसकी कंपनी देख सकते हैं, इसके सारा वोल्टेज रेगुलेशन देख सकते हैं। ये करंट की शिफ्टिंग करते हैं, ये सारे का सारा सेटअप बहुत ही सिक्योर अंदाज में लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं कि इन्होंने टोटल यहां पर 30 सोलर लगाए हुए हैं। ये आप मुलाहिजा कर रहे हैं, ये 30 सोलर हैं जो इस ट्यूबवेल को चला रहे हैं। तो आपने ये देखा है कि किस तरह 5 इंच का एक ट्यूबवेल कितनी प्लेट्स पर चल रहा है और आपके सामने है ये सारे का सारा सेटअप। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूं तो काइंडली मेरे चैनल सैफ मुश्ताक चाचा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।